हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है घर से। मैं उठ चुकी हूँ, अभी बजे है सुबह के 6 और पानी मेरा भर चुका है टंकी, और मार्टिन भी उठ चुका है। हस्बैंड गए हैं नीचे, नीचे गए हैं, कूड़े की गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डालने गए हैं वो। और बेटी सो रही है, बेटा सो रहा है। हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आराम से उठ जाया करो, क्या जरूरी है मतलब 6 बजे उठने की। तो मैंने कहा यार, मेरी आंखें खुल जाती है शुरू से, मैं बहुत लेट भी सोती हूँ। ये लगा लो 9 साढ़े 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तो मैं घर से वहां से शॉप से आती हूँ, और फिर मैं नहाने के बाद में चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद में फिर चाय पीती हूँ, फिर मैं ब्लॉग ऐड करती हूँ, फिर बस उसके बाद में हम सो जाते हैं। बेटी कर देती है एडिट, और उसके बाद में फिर सुबह में मेरी जल्दी आँख खुल जाती है। बच्चे तो जगे रहते हैं बहुत देर तक, मूवी वगैरह देख लेते हैं वो, तो मैं तो सो जाती हूँ। और ये लगा लो इतना लेट सोने के बाद में भी इतनी लेट मेरी आँख, इतनी जल्दी मेरी आँख खुल जाती है। और ये देखो सुबह सुबह मेरे इस तरीके की लाइन भी आ जाती है। ये कमी, नींद की कमी, मतलब नींद हमारी पूरी नहीं होती, उससे होती है ये। लेकिन क्या करूँ, अभी थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाएगी जब मैं जाऊँगी शॉप में। 10 बजे मुझे शॉप में पहुँचना पड़ता था, मेरे को टेंशन लगी रहती है, क्योंकि काम की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम तो मेरे बच्चे कर लेते हैं, अगर मैं चाय के लिए बोलूँगी तो चाय पिला देंगे, और अगर झाड़ू पोछे के लिए बोलूँगी तो झाड़ू पोछा भी लगा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने बच्चों को, दोनों को खूब अच्छे से ट्रेंड कर रखा है इन सब चीज़ों में। क्योंकि क्या है ना यार, बहुत से लोग, पता क्या होता है, बहुत सी लेडीज से क्या करती है, बच्चों से काम नहीं करवाती हैं। लेकिन बच्चों से काम कराना चाहिए, हमारे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। कल को भगवान ना चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई किसी का भरोसा नहीं है। तो अपना बच्चा ये है कि अपना बच्चा भूखा नहीं रह सकता, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को ट्रेंड कर रखा है। मतलब बेटे को सिर्फ आटा गूंदना नहीं आता, इन दोनों को आटा गूंदना ही मैं सिखाऊंगी इनको धीरे धीरे करके। बाकी सब्जी उब्जी चावल वावल सब बना लेते हैं ये लोग। तो अब मेरा हो चुका है काम, अब हस्बैंड गए हैं दूध लेने, और कूड़े की गाड़ी आई है उसको कूड़ा डालने। तो अभी दूध लेके आएंगे, फिर मैं बनाऊंगी चाय। और मार्टिन हमारा उठ चुका है, मार्टिन को लगी है तलब, और मार्टिन देखो कैसे पड़ा हुआ है। ये देखो मार्टिन, मार्टिन का डायरेक्शन देखो, ये मार्टिन ऐसे सो रहा है। ये देखो, ये मार्टिन गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो। ये देखो मार्टिन, मार्टिन का सोने का डायरेक्शन देखो, सो रहे हैं बच्चे। ये देखो, ये सो रही है बेटी। ये देखो, ये दोनों भाई बहन सो रहे हैं। ये बन गई है मेरी चाय, ये मेरी और ये बेटी की, और ये 2 ब्रेड बेटी की है और 2 है मेरी। और ये बना के लाए बेटे के लिए ग्रीन टी, जो बेटा ग्रीन टी पिएगा। और ये आया मार्टिन भाई साहब भागकर, और इसको दे चुके हैं 1 ब्रेड, और ये भी दूध पी चुका है। और ये देखो, ये इसकी नज़र है हमारी ब्रेड पे, ब्रेड लेगा मार्टिन, मार्टिन। और ये दीदी उठ चुकी हैं, और बेटा पी लो चाय। हाँ पीता, ये ला रहे मार्टिन को आज, मार्टिन हमारा खा है। ये धोरे मार्टिन के कपड़े, और मार्टिन के कपड़े देख कितने गंदे हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में लेटता है ये आजकल शॉप पे जाके। तो ये धो दो मार्टिन के कपड़े साथ साथ। ये नहा लिया मार्टिन, मार्टिन को अच्छे से रगड़ रगड़ के नहला दिया, मार्टिन हो गया बिल्कुल गोरा गिट्टा। ये उबल गए मेरे आलू। छोटी सी बेटी नहा के निकली है, और इसको उड़ा दिया है चुन्नी। अरे माती तंदी लग रही है मेरी बेटी को, छोटी सी बेटी है देखो, छोटी सी बेटी। ये बैठे हैं मार्टिन भाई साहब, और देखो मेरे स्वेटर पे बैठे हैं, ये नारा जो रखे हैं मुझसे, और मैंने अपना स्वेटर रखा। और ये देखो इसको बिछा कर ये बैठे हैं इस पे। सुबह से मैंने छान लिया के मेरे छिल गए आलू, ये मैंने लिए लहसुन की पोथी, अब ये मैं छीलूंगी लहसुन। ये मैंने पीस लिए लहसुन के दाने, और ये मैंने ले ली 6-7 मिर्ची, अब मैं इसको पीसूंगी। ये पीस रही हूँ मैं हरी मिर्ची, अब पीस रही हूँ लहसुन। पीस लिए मैंने मिर्ची और लहसुन, ये पिस गया मेरा मसाला, ये मैंने मिला लिया मसाला। और ये धनिया काट दिया इसके ऊपर, अब मैं बनाऊंगी कचौरी आलू की। ये बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि पूड़ी के जितनी पतली और बड़ी हमें बनानी है, तो उसके अंदर भरेंगे आलू और वो बनेगी कचौरी। तो बहुत ज्यादा, बहुत कम आटा लेना हमें, इतना सा ही बस। ये मैंने भर लिया आलू का पेस्ट, और ये मैंने चढ़ा दिया तेल, और हमें इतनी क्वांटिटी भरनी है
और बस ऐसे करके इसको पराठे की तरह करो। बस ये हमें हाथ से ही ऐसे ही कर लो, वरना बेलन से भी बेल सकते हो। ये बन गई है कचौरी। तेल गरम, मेरी बन गई है कचौरी। ये मैंने रखी है बेल के, इसके अंदर आलू भर दिया है और ये मेरी तल रही है। ये इसको दे दी मैंने कचौरी, दो खा के देख। मैं बताता हूँ खा के। ओके आया है मार्टिन, मार्टिन और ये आई है दीदी मार्टिन के साथ, लेकिन सिर्फ 60 रुपए बेटा। और मैं आ गई थी शॉप में, आज मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, 11:30 बजे के आसपास आई मैं। अभी आई है दीदी, दीदी आई घर से और मैं भी आने के बाद में मैंने किए काम, थ्रेडिंग अपली फोरहेड वैक्सिंग वैक्सिंग पैकेज कर रही थी आज मैं। और मैं भी अभी कुछ भी नहीं किया, सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने गंगी तक भी नहीं करी। उस ग्राहक के यहाँ पे जो आई थी ऐसे पड़े हुए मेरे बाल वाल सब, ऐसे जैसे आई थी वैसे ही वैसे बस काम में लग गई, क्योंकि उन्होंने बोला ग्राहक ने मेरे को, मेरे क्लाइंट ने, कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी फटाफट मेरा काम कर दो। और जैसे मैंने पार्लर खोला वो मेरे बिल्कुल बाहर खड़ी हुई थी और मुझे टाइम भी नहीं मिला ना बिंदी बिंदी कुछ लगाने का। अब मैं थोड़ी सी छुट्टी उठिया अपने बाल बाल ठीक कर लेती हूँ, मेरे को 4 दिन हो गए बाल को कंघी करे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, कितनी हालत खराब रखी है मेरी। और ऊपर से सीजन का टाइम है तो फिर पूरा काम भी मुझे करना पड़ता है। और यही दीदी अब करूंगी थोड़ा सा हुलिया अपना ठीक। अब मैंने किया अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक, थोड़ी सी ये लिपस्टिक लगाई है बिंदी और थोड़ा सा बाल ठीक करे हैं, वरना सुबह से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें भी ठीक कर लूँ, क्योंकि आज मार्टिन को भी नहलाया और मार्टिन का भी आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम फैला पड़ा था। तो पहले तो मैंने घर पे किया बहुत सारा काम, फिर यहाँ आने के बाद में तुरंत पैकेज आ गया। अब फिर पैकेज फ्री होके अभी उठी थी, देखा था मेरा क्या हाल था और अब मैंने थोड़ा सा अपना ठीक कराया हुलिया, क्योंकि क्या ना ऐसे अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि एक मिनट का टाइम ही नहीं मिला मुझे कि भाई मैं बिंदी लगा लूँ या मतलब ये लिप कलर लगा लूँ या मतलब थोड़ा सा बालों को ठीक कर लूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अभी जब बेटी आई है उसके बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है। और बाहर में भी बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ था, पूरा उसको समेटा और खाना वाना भी, वो आलू के परांठे बनाए थे वो मैं तले ले गई। मैं खा तो ले आलू के परांठे, इसने बोल दिया मेरे को कि मम्मी आलू के 2 पराठे बना के लेकर आना, और देखो बना के लेके आई हूँ, ये लड़की अभी तक नहीं खा रही। मैं खा ले यार, कब खाएगी, अरे 10-20 मिनट मतलब 10-20 मिनट बाद में ये खाएगी। ये हो गई है गरम प्रेसिंग, यहाँ हो रही है प्रेसिंग होने की, करने की तैयारी। ये कर रही बेटी आज, और मैं बोलूँ कि मैं कर देती हूँ, ये कह रही नहीं आज मैं करूँगी, तो ठीक है करो। ये हो गई प्रेसिंग, हो रही जाने की तैयारी और कर रहे हैं सामान समेट रहे हैं। अभी भी की है मैंने प्रेसिंग, प्रेसिंग का ग्राहक जा चुका है तो अब मैं सोच रही हूँ मैं भी जल्दी चल जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे डेली डेली शट डाउन करते करते। तो बेटी बोल रही है कि मम्मी यार टाइम से चलते हैं, तो पूरा सामान समेट रहे हैं। अरे घर का कमाऊ पूत, अरे भागा, ये भागा ड्रामे बता रखे भागा मार्टिन बैठा मार्टिन भाग कर खुदक के। अब मैं आ गई हूँ घर और मेरी बन गई है चाय और मार्टिन भाई साहब आते के साथ ही बेड पे चढ़े हैं। मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया, पोछ दिया उसके टावल से,
क्योंकि मार्टिन बाहर अंदर बाहर घूमता रहता है, तो इसको अच्छे से साफ करके, और ये बेचारा बच्चा इतना थक चुका है, देखो आप कैसे बेचारा पड़ा हुआ है बेचारा बच्चा। देखो मार्टिन ये देखो, ये इतना ज्यादा थक चुका है, ये करके आया दुकानदारी, और ये देखो कैसे लेटा हुआ है। ये बन गई है मेरी शाम की चाय, ये बन गई है मेरी चाय, और मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, और हस्बैंड गए हैं बाहर, अभी आए नहीं वो शॉप से, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अब मेरा गुंदा हुआ है सुबह का आटा और बनी हुई सुबह की सब्जी, और बस मेरे को अब रोटी रोटी बनानी है और बस खाना खाएंगे। और आज भी इतनी ज़्यादा, मतलब ये लगा लो कि भाई अब तो ऐसा हो गया है कि इतना ज़्यादा काम भी तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि काम कैसे हो गया, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है तो थ्रेडिंग वेडिंग से तो परेशानी हो जाते हैं। तो थ्रेडिंग का क्या ना, छोटा काम होता है और कमर में भी दर्द हो जाता है, ज़्यादा थ्रेडिंग आ जाती है। तो आज मेरे पास अच्छी थ्रेडिंग थी, अब तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, एक बार भी टाइम नहीं मिला मुझे, थ्रेडिंग करते करते हो गए परेशान। और अब मैं बस रोटी सेकूंगी। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।